हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। भाई मेरा नाम है यादविंद्र चौहान, एक और नई वीडियो में स्वागत है। फिलहाल खड़े हुए किया के बिल्कुल फ्रंट में, तो किया कैरेंस है अपने पास, सामने वीडियो में देख भी पा रहे हो न्यू लोगों के साथ। भाई ठीक है, अब मैं इसकी मॉडल बता देता हूँ, प्रेस्टीज मॉडल है। इसमें आपको जो फीचर्स चाहिए ना आपको, वो आपको सारे मिल जाते हैं। भाई एक नॉर्मल बंदे को नॉर्मल कार के हिसाब से सारे फीचर्स मिल जाते हैं इसमें, जो नेसेसरीज तौर पे आते हैं। भाई जो एडजस्टमेंट, आपके मिरर के एडजस्टमेंट हो जाए, म्यूजिक सिस्टम मिल गया, और बाकी कुछ फीचर्स आपको कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ते या फिर आप उसके ऊपर वेरिएंट में जाओ। ये वेरिएंट आपको वैल्यू फॉर मनी पड़ेगा, 15 लाख के अप्रोक्स पड़ जाएगा। और एक्चुअल प्राइस ऑन रोड आप RTO और इंश्योरेंस लगाओगे ना, उसके बाद मैं लिस्ट डाल दूंगा लास्ट में आप इसके फीचर्स दिखाने के बाद। तो स्टार्टिंग से हम बात कर लेते हैं। ये आपको ये DRLs मिल गए, हेडलैम्प मिल जाते हैं आपको, हैलोजन बेस हेडलैम्प मिल गए, इंडिकेटर यहाँ पे दिए गए, फोग लैंप है नहीं, फोग लैंप की हाउसिंग दी गई है, ये ग्रिल मिल गई फ्रंट वाली, और किया का न्यू वाला लोगो मिल गया, बोनट थोड़ा स्कूप टाइप है, पियानो की फिनिश है जो यहाँ से होती हुई सीधी दूसरी वाली हेडलैम्प तक जा रही है, और ये आपका टोइंग हुक का पार्ट दिया है। यहाँ पे टोइंग हुक कर सकते हो टोइंग गाड़ी करने के लिए। आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं फ्रंट में भी, आप देख पा रहे हो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 पार्किंग सेंसर मिले। भाई बड़ी गाड़ी होने के कारण ये पार्क करते टाइम थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, उस आसान बनाने के लिए ये 4 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। अब एक बार मैं साइड से आ जाता हूँ, साइड से बात कर लेते हैं, ये साइड का लुक दे रखा, MUV गाड़ी आती है भाई ये, थोड़ा सा जो इनोवा के कंपैरिजन में हो गया, अल्टिका के कंपैरिजन, ऐसी वाली गाड़ी है भाई ये कैरेंस। तो अब इसके साइड की बात कर लेते हैं, ये व्हील्स कैप दिए गए हैं, ना कि अलॉय व्हील्स, आपको दिख भी रहा होगा। एक बार मैं टायर का साइज बता देता हूँ, 205/65 R16 का आपको टायर सेक्शन मिलता है। ये दिए गए हैं आपको इंडिकेटर, आप यहीं पे मिल जाते हैं ORVMs पे, मैनुअली आपको फोर्ड करना पड़ेगा ये सिंपल, और एडजस्ट आप कर सकते हो अंदर से ही, ठीक है। ये बॉडी कलर्ड मिलते हैं आपको, ये हैंडल्स देख पा रहे हो, रूफ रेल्स भी दिया गया है आपकी, ये आपका शार्क फिन एंटीना हो गया, क्वार्टर पैनल भी ये अच्छा खासा दिया गया है आपको, अगर थर्ड रो में बैठते हो तो सपोकेशन सा महसूस ना हो, ठीक है। आप मतलब लंबी गाड़ी है भाई, थोड़ा सा कठिनाई इसलिए आएगी कि आप भाई लंबी गाड़ी है, एकदम से थोड़ा सा इसका पैच लंबा है, थोड़ा लंबा बस की तरह काटना पड़ेगा, ठीक है, वो आप थोड़ा सा ड्राइव करोगे तो समझ जाओगे। और जो MUV चलाते हैं उनको तो आदत पड़ी रहती है भाई, ये आपको फुल टैंक मिल जाता है, यहाँ से आप पेट्रोल या डीजल फिलअप करा सकते हो जिस भी आप वेरिएंट में लोगे। अभी कैरेंस की बैजिंग हो गई, ये आपको टेल लैंप हो गया, LED मिलता है, यही आपको LED मिलता है, LED सेटअप है ये यहाँ पे, और ये आपको पूरी स्ट्रिप यहाँ तक दी गई है सेकंड टेल लैंप तक, और सेम एज इट इज ब्लैक पैनो फिनिश की फ्रंट में मिलती है, मैंने दिखाया था। IMT वेरिएंट खड़ा हुआ है भाई, ये किया की टेक्नोलॉजी है IMT की, जो भाई मैनुअल तो आपको वो मिलेगा गियर नो, पर क्लच लेस मिलेगा, वो आपको अभी मैं अंदर जाके समझा दूंगा। ये सेम एज इट इज आपको नीचे दिया गया है, ये जो कर्व दिया गया है, पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं 1, 2, 3 भाई, जो हेल्प करते हैं रिवर्स करते टाइम, पियानो ब्लैक की फिनिश दी गई है, यहीं से आप बूट भी खोल सकते हो, वो मैं अभी सारे बाहर के फीचर्स करने के बाद आपको बता दूंगा। मैंने ऊपर तो सारा पार्ट कवर कर लिया, अब एक बार यहाँ से भी सेम एज इट इज उधर वाला ही लुक मिलता है, कोई भी डिफरेंस है नहीं। अब एक बार अंदर चलते हैं, अंदर चलने से पहले एक बार किसकी की बात कर लूँ कि भाई ऐसी कुछ की मिलती है सिंपल एज फिजिकल की, जो कि भाई आप देख पा रहे हो वो लगानी पड़ती है, कीलेस एंट्री है नहीं इसमें। एक बार बंद करते हैं, ऐसे इसको लॉक कर सकते हो, हॉर्न एज टिपिकल बजेगा, फोल्डेबल नहीं है, तो भाई ये आपको फोल्डेबल है ही नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है, ये मैनुअली करोगे आप, मैंने बताया था अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हो, सिंपली अनलॉक करोगे तो 2 बार हॉर्न बजेगा। अब आपने हॉर्न बजाने के बाद आप अंदर आ गए, राजा की तरह आप गाड़ी में बैठोगे। अब एक बार यहाँ से बात करो, कितनी अच्छी डिज़ाइन दी गई है, पर की लगा लूँ मैं आपको यहाँ से, फिजिकल की आपको लगानी ही पड़ेगी। ये देखो डिज़ाइन, आप कोइन वगैरह कुछ आपको रखना हो तो ईजिली आप यहाँ पर भी रख सकते हो, अच्छा स्पेस दिया गया है। ये आपको ये ऑटो मिलता है, एक बार गाड़ी ऑन करके मैं दिखाता हूँ, एक बार टच कर दिया तो नीचे आ जाएगा सिंपली, ये एक बार ऊपर करोगे तो ऊपर चला गया, अगर हाथ लगा रह गया तो देखो एंटी पिंच, यानी आपके हाथ को दबाएगा नहीं, ठीक है। ये आपको एडजस्टेबल यहाँ से कर सकते हो लेफ्ट राइट का, ये देखो राइट का एडजस्ट हो रहा है, ऐसे ही आप लेफ्ट साइड का भी कर सकते हो। ये आपको नॉर्मल मिलते हैं तीनों बाकी सब, ये देखो ये नॉर्मल मिलते हैं, 1 टच नहीं है, ठीक है। अब एक बार पे ही चलेगा, ये विंडो लॉक कर सकते हो अगर आपके साथ चाइल्ड है तो, अब आपकी विंडो पीछे से नहीं उतरेगी। एक बार मैं दिखा दूँ आपको, एक बार लॉक करने के बाद देखो भाई नहीं उतर रही ना, काफ़ी ज़्यादा मैं दबा रहा हूँ, ठीक है। अब एक बार अंदर चल लेते हैं, बैठते हैं। ये आपको थोड़ा सा भाई OBD पोर्ट है, नई गाड़ी खड़ी है इसलिए दिया गया है भाई, कुछ स्कैनर वैकैनर करने के लिए। यहाँ पे आप बोतल होल्डर रख सकते हो, कितनी 1, 2, 3 बोतल आराम से आ जाएगी, अम्ब्रेला होल्डर भी आपको अंदर मिलता है, ठीक है।
सिल्वर फिनिश के साथ ये दिया गया है आपको। लॉक अनलॉक का भी मिलता है, गाड़ी बंद करने के बाद लॉक अनलॉक भी कर सकते हो। ये आपको स्टेयरिंग व्हील मिल गया, किया का नया लोगो मिल जाता है, MID का कंट्रोल है, डिजिटल मिलती है आपको MID। ये देखो पूरा इंस्ट्रूमेंट ही डिजिटल है। गाड़ी को थोड़ा सा और ऑन करेंगे हम। ये कहाँ गया यार, अभी तो ऑन हो रहा था अच्छे से। ये कहाँ चला गया यार, ऑन हो रहा था अभी तो। ये चाबी का निशान आ रहा है ना, फुली डिजिटल मिलता है आपको। ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प देख पा रहे, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, इसका भी सोल्यूशन निकाल लूंगा भाई, मैं बताऊंगा। ये आपको मिलता है वाइपर्स के कंट्रोल, नॉर्मल वाइपर मिल जाता है। स्टेयरिंग पे कोई लेदर रैप नहीं है, एक बार एडजस्ट देख लेते हैं कितना कुछ भाई। टिल्टी मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता। आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल गया, अट्रैक्शन ऑफ का हो गया, हेडलैम्प लेवलर हो गया। ये आपको AC एडजस्टमेंट मिलता है, लेफ्ट राइट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ कॉइन वगैरह सिगरेट वगैरह रख सकते हो, सीक्रेट प्लेस है भाई, वाओ मजे आ गए। ट्विटर मिल गए, ठीक है। स्पीकर्स आपको नीचे दिए गए हैं। ये मैनुअल AC है, आपको लग रहा होगा ऑटोमेटिक पर मैनुअल है भाई। ये हजार्ड लैम्प का स्विच मिल गया। यहाँ पे AC वेंट भी दिए गए हैं, ऐसा लग रहा होगा ना कितनी लंबी AC, पर ये इतनी है भाई, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरे को अलग सा दिख रहा है, एक बार मैं देखूँ ये दिया क्या गया है भाई। यहाँ पे भाई कुछ लगा सकते हैं हम, जैसे कुछ होगा ना यहाँ पे, ये उकटाक सकते हो यहाँ से, ऐसे यहाँ पे कुछ टाँक सकते हो, मतलब यानी हैंगर दिया गया है जो आप 3 से 4 किलो का लगा सकते हो कुछ भी। ये जो निशान देख पा रहे हो आपको, जैसे भाई दूध वगैरह लेके जाना तो टाँक के लेके जा सकते हो भाई, थैली के आजकल जो फैली नहीं। और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है भाई, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, HTTP जो किया देती है, सॉरी। और ये आपको नॉर्मली IRVM मिलता है भाई, डे नाइट का है, सिंपल वाला। नीचे एक बार बात कर लेते हैं, पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ कर सकते हो फ्रंट वाले। और ये आपका हिल डिसेंट कंट्रोल हो गया, और कुछ भी बटन नहीं है यहाँ पे। 12 वोल्ट का सॉकेट मिल गया, ये Type-C USB मिल गया, ये कुछ स्पेस मिल गया यहाँ पे आप, ठीक है। 6-speed IMT वेरिएंट भाई, क्लच नहीं है, एक बार मैं दिखाऊँ, ये देखो भाई क्लच नहीं है पर मैनुअल है, इसको IMT बोलते हैं। और ये आपको 2 कप होल्डर मिल गए, हैंड ब्रेक यहाँ पे दिया जाता है सिंपल ही वाला। और ये आपको आर्मरेस्ट मिल गई, ये स्पेस मिल गया, इसको हटाओगे तो ये और अंदर स्पेस मिल गया भाई। इसमें लॉक नहीं है, सिंपली आप ऊपर कर सकते हो, इसलिए सीक्रेट दे रखे हैं, सीक्रेट प्लेस रखने के लिए, ठीक है। ये सनग्लास होल्डर हो गया, ये हेलोजन दिए गए भाई आपकी, हेलोजन लाइट्स है। और वाइजर दिए गए हैं सिंपली ऐसे ही, लाइट्स नहीं है ना ही इसमें, लाइट है यहाँ पे ही मिलती है आपको कैबिन लाइट। अब चलते हैं पीछे, एक बार मैं एडजस्ट मेरे अकॉर्डिंग कर लेता हूँ भाई। मेरी हाइट है 5'11", उसके साथ एडजस्ट कर लेता हूँ। ग्लव बॉक्स मिल जाते, कूल्ड नहीं है। सीट एडजस्ट करने के बाद अब पीछे चलेंगे, ठीक है भाई, ऐसे चलाऊँगा मैं एडजस्ट करके बढ़िया। अब चलेंगे पीछे, पीछे एक बार स्पेस देख लेते क्या कुछ हमें स्पेस मिल जाता है। एक बार मैं पीछे स्पेस देखने के बाद, मेरी हाइट है 5'11" तो उसके आराम देखो काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है। एक बार मैं बंद करके भी दिखाऊँ, इतना अच्छा स्पेस दिखा। ये आपको AC के कंट्रोल यहाँ भी मिल जाते हैं, ये देख पा रहे हो, 1, 2, 3, 4 यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो लेवल। ये Type-C यहाँ पे भी मिल गया। हेडरूम देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हेडरूम, पसीने इसलिए आ रहे भाई धूप में खड़ी है, थोड़ी मेहनत लगती है। आप सब्सक्राइब तो करते नहीं पर कर दो भाई सब्सक्राइब फटाफट से। एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिल गई, आप देख भी पा रहे हो काफ़ी अच्छे, उधर वाला भी और इधर वाला भी, पीछे वाला भी चेक करा दूँ आपको। एडजस्टेबल बीच में आपको आर्म रेस्ट मिलती है, एडजस्टेबल हेड रेस्ट ना फिक्स ना, तो ये कोस कटिंग होगी भाई। आर्म रेस्ट एक बार खुल तो इसमें वो नहीं है भाई, पर कप होल्डर्स नहीं है। ये बेल्ट का मिल गया, पीछे से भी आवारी, पीछे भी मिलते हैं देखो भाई, आप यहाँ से एडजस्ट करके पीछे भी आवारी कितनी भयंकर। उस साइड से चलेंगे, 60-40 मिलती है तो भाई 40 की साइड से जाते हैं, हमेशा पीछे जाना होता है। इसको आप रिक्लाइन भी कर सकते हो साइड से, मेरे को लगता है तो, या नहीं तो ये ज़्यादा खड़ी है भाई मेरे हिसाब से तो यहाँ से तो। अब एक बार मैं पीछे चल के बताता हूँ क्या कुछ हमें स्पेस वगैरह मिलता है, एक बार देख लेते हैं स्पेस क्या कुछ मिलता है। इधर से आए हम, सिंपली इसको टो करेंगे यहाँ से, ये देखो ये दिया गया है ना सिंपली, एक हाथ से ही आपने टो भी हो गई, आप इजीली अंदर जा भी सकते हो। ये देखो ये अंदर गए बैठे, ये अपने बैठे, और भाई ये स्पेस तो है भाई गाड़ी में, देखो देख पा रहे हो। हेडरूम चेक कराऊँ, ओके वेंट यहाँ पे मिल गए AC वाले, हेलोजन की लाइट भी मिल गई, बीच में भी मिल रही थी, ठीक है भाई।
यहाँ पे कोई ग्रैब हैंडल नहीं है, पर ये क्वार्टर पैनल आपको अच्छा मिल जाता है। टाइप सी मिल गया भाई, टाइप सी की तो मौज कर रखी है। कुछ स्पेस आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, यहाँ पे भी स्पेस मिल गया टाइप सी की, बता रहा मौज कर रखी है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट, और अब पीछे कोई आपको वाइपर वगैरह डिफोगर वगैरह नहीं मिलता है, सिंपल गिलास है भाई है। अब एक बार बाहर चल के इसकी बूट स्पेस और देखते हैं पीछे से। सिंपली आप यहाँ से दोबारा से ये करना, एक हाथ से ही टंबल होगी। हाइड्रोलिक मिल जाता है उठाने के लिए, देखो ये मिल रहा भाई, इसका हाइड्रोलिक उठा देता है एक बार में। अब सिंपली आप इसको वापस से सीट की पोजीशन में भी ला सकते हो ऐसे। अब इसका बूट खोल के दिखाऊं भाई मैं, अब यहाँ से एक बार बूट ओपन कर लोगे, 7 सीटर होने के बावजूद भी आपको बूट स्पेस मिल जाता है काफ़ी। एक बैग दो बैग तो रख सकते हो, अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो इसको आप नीचे कर सकते हो, एक को कर लो। अगर आपको दो दूसरी और करनी है ज़रूरत के अनुसार तो भाई दूसरी को भी कर सकते हो। अब तो आपके पास भाई बहुत ही ज़्यादा बूट स्पेस है, आराम से आप जा सकते हो बड़ी ट्रिप्स पे। ये आपको कुछ टूल किट्स वगैरह मिल जाती है, फर्स्ट एड किट दिया गया है। अगर टायर निकालना है तो आप नीचे से यहाँ से जो नट दिया इसको खोल के आप ये टायर निकाल सकते हो, देख रहा, और सिंपली बंद कर लो ऐसे। अब इसकी जो प्राइस लिस्ट है वो आपको लास्ट में दिख जाएगी भाई। वीडियो में इतना ही था, सारे फीचर्स वगैरह मैंने सब कवर कर दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो भाई अब लास्ट में अब प्राइस की बात आ जाती है, तो प्राइस तो भाई बताना पड़ेगा आपको बिल्कुल। ये देखो भाई यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे मॉडल्स, आपको पेट्रोल में चाहिए या डीजल में चाहिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। कलर वाइज भी लिख रखा है, और ये आपको वेरिएंट वाइज ही प्रीमियम प्रेस्टीज वगैरह और लग्जरी प्लस लग्जरी, आपको कौन सा चाहिए वो आप देख सकते हो यहाँ पे। ये आपका एक शोरूम हो गया, ये आपके नेसेसरीज एसेसरी है, मतलब जो आपको भाई आरटीओ वगैरह लेना है, फास्टैग वगैरह लगेगा वो लिखा हुआ है इसमें, रजिस्ट्रेशन फीस। ये आपका ऑन रोड हो गया। अगर आपको एसेसरीज किट चाहिए वो ये हो गई, और वारंटी एक्स्ट्रा वारंटी है ये आप ऐड कर सकते हो, देख सकते हो इसमें, आप स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। अब बुकिंग वगैरह लगानी कहाँ है वो और मैं बता देता हूँ आपको। ये दिख रहा है कार्ड भाई सुधीर यादव जी का, यहाँ पे आप ये नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों पे कॉल कर देना, आपके धारवाड़ा अलीट किया में लग जाएगी ठीक है कॉल, और सेम एज इट इज आपको यहाँ पे कॉल कर लेना है। अगर आप इन केस ये नंबर ना मिल रहे हो तो इन पे कॉल कर लेना है ठीक है। दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, एक मिनट दिखा भाई कार्ड, ये देखो भाई